इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा साहब, झाबुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है, टफ फाइट में बीजेपी फंस गई है क्योंकि पूरी सरकार लड़ रही है? देखिए, सरकार जब होती है तो सरकार तो कमलनाथ जी की थी ही, उसमें से हम 29 लोकसभा में से 28 लोकसभा जीते, तो सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, जनता अपना काम करती है। हम संगठन के सहारे सरकार लाते हैं और संगठन के सहारे ही चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन इश्यूज़ क्या हैं सर, क्योंकि ये कांग्रेस का कहना है कि हमने 2 लाख की कर्ज माफ़ी की है, 51,000 रुपये कन्यादान में कर दिए हैं, ये आदिवासियों को के बीच में जाके वो कह रहे हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं? देखिए भदौरिया जी, झूठ बोला, हमारे इश्यूज़ तो वही हैं जो कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनके वचन पत्र की एक भी लाइन पूरी नहीं हुई है आज तक, और इसलिए उस मुद्दे को ले, और हमारी जितने योजनाएँ जनहित की थी वो सारी बंद कर दी गई। शिवराज सिंह जी चौहान ने जितने योजनाएँ जनता के हित में शुरू की थी, एक एक योजनाएं बंद कर दी गई है। संबल योजना कहाँ गया, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ गई, बिजली के बिल का मामला कहाँ गया, एक्सीडेंट पेंशन, ये सब मामले कहाँ गए? इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस की बहुत बुरी गति है और बुरी गति होगी। अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया था मेडिकल कॉलेज का, क्या स्टैंड पार्टी का? कांतिलाल जी भूरिया ने झाबुआ मेडिकल कॉलेज का जो प्रस्तावित नाम था वो हटवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे यहाँ पर एक वरदान क्लिनिक चलाते हैं। झाबुआ की उनका चिंता होती उनको तो वे ऐसा नहीं करते, वो चाहते हैं कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप, अगर आए तो आपने नाम क्यों कटवाया? क्या आपका क्लिनिक मेडिकल कॉलेज से बड़ा हो जाएगा? अपने धंधे के चक्कर में आदिवासियों की बलि क्यों दे रहे हैं आप? ये सवाल मैंने उठाया है आज। लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर काफ़ी कांग्रेस यहाँ प्रचारित कर रही है, खुद मुख्यमंत्री, उनके तमाम मंत्री, आपको क्या लगता है ये मॉडल प्रचारित करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? देखिए, स्वयं कांतिलाल जी भूरिया और कमलनाथ जी इसका मतलब चुनाव यहाँ हार गए। झाबुआ में छिंदवाड़ा मॉडल कहना, इसका मतलब पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कांतिलाल जी भूरिया ने अभी तक झाबुआ में कोई मॉडल तैयार नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, ये स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए उनको इस बार फिर से मौखिक कहानी चाहिए और खाएंगे। ये तो प्रभात झा साहब जो ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी एकता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, कांतिलाल भूरिया भले ही बड़ा नाम हो लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को जीत के बताएगी। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।